वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। अगर आई हो आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं ललित शर्मा लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक, एक न्यू वीडियो। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड जो फ्रेंड मेरे चैनल पे न्यू हो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस करें जिससे मैं कोई भी न्यू टॉपिक की वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक फ्रेंड्स होने वाला है टूरिस्ट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री कहीं भी जाने की सोचेंगे भी, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे दिमाग में एक चीज आता है, पासपोर्ट। वो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कहाँ से बनवाया पासपोर्ट, किसके थ्रू बनवाया पासपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं इसी के टॉपिक लेके आया हूँ फ्रेंड। वीडियो को पूरी देखिए, लास्ट तक देखिए, जैसे कि आप फुल नॉलेज मिलेगी। ओके फ्रेंड, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूँ फ्रेंड्स, उसके एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बताना चाहूँगा आपको फ्रेंड्स कि उसकी फीस कितनी लगती है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कोई 3,000 ले लेता है, कोई आपसे 4,000 ले लेता है, कोई 5,000 ले लेता है। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड, ओनली उसकी 1500 फीस है। मैं उसी के बारे में बताऊँगा फुल जानकारी। ओके फ्रेंड्स, शुरू से लेके एंड तक बताने वाला हूँ कि कैसे होगा, क्या क्या करना होगा। ओके फ्रेंड्स, चलो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि आपको पता है हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और आपको ऊपर दिख रहा होगा जैसे मैंने टाइप किया है www.passportindia.government.in। ओके फ्रेंड, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है फ्रेंड, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वेबसाइट। यहाँ पे आपको सबसे पहले करना होगा फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। जैसे ही हम फ्रेंड्स यहाँ पे डाले हुए, यहाँ पे आपको जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड नीचे रजिस्टर न्यू यूजर। जैसे ही फ्रेंड हम यहाँ पे डालेंगे, क्लिक करेंगे दो बार या एक बार, जैसे हमको फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा CV दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस। ओके फ्रेंड्स, हमको नीचे स्क्रॉल करना होगा। अब फ्रेंड्स कौन सा आता है, जैसा कि आप देख पाओ देख लो फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑफिस लगता है पासपोर्ट में। जैसे फ्रेंड मेरा लगता है यूपी का, ज़्यादातर यूपी का फ्रेंड्स, आगरा का है गाजियाबाद। मैं यहाँ पे गाजियाबाद देखूँगा फ्रेंड, जैसे गाजियाबाद डाल दिया मैंने। यहाँ पे फ्रेंड मैं नाम डाल दूँगा कोई भी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को कुछ भी सरनेम डालना होगा, फ्रेंड में कोई भी सन ऑफ डाल दूंगा, डेट ऑफ सॉरी यहाँ पे मैं डाल दूंगा फ्रेंड्स अपने डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैं अपने डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे को अपनी मेल आईडी डालनी होगी। यहाँ फ्रेंड मैंने अपनी मेल आईडी डाल दिया। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछेगा जो आपने मेल आईडी है, जैसे फ्रेंड मैंने मेल आईडी डाल दी। अब यहाँ पे पूछेगा फ्रेंड्स ये जो आप लॉगिन बनाने हो, मेल आईडी को ही लॉगिन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लॉगिन आईडी को बनाना चाहते हो यस कर दोगे, अन्यथा आप नो कर दोगे। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ भी जो भी बनाना चाहो वो बना सकते हो। फ्रेंड जैसे कि मैं ये बनाना चाहूँगा, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ कुछ भी, यहाँ पे मैं चेक अवेलेबल करूँगा। ये पहले से ही होगा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन नहीं होगा तो बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा ये लॉगिन बन चुका है, जैसा कि ग्रीन आ गया। अब मेरे को पासवर्ड ऐसे ही क्रिएट करना होगा, लेकिन बट मैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेल पे डालूंगा तो मेल ही मेरा लॉगिन बन जाएगा। ओके फ्रेंड, मेरे को दो पासवर्ड चूज करना होगा फ्रेंड्स, सेम पहले पासवर्ड फिर कंफर्म पासवर्ड। यहाँ मेरे को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वर्ड सिटी या कुछ भी, जो भी हिंट क्वेश्चन आप और पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके लिए कोई। यहाँ पर मैं कैप्चा डालूंगा, सही रजिस्टर कर दूंगा फ्रेंड। जैसे मेरे जो मैंने मेल डाला उस पर एक मैसेज आएगा, मेरे को मैसेज पे जो आया होगा वो कन्फर्म करने के लिए ही आपको, आप खुद ही कर रहे हो या आपके कोई मेल को कोई और कोई यूज तो नहीं कर रहा, उसके लिए आपको वहाँ पे कंफर्म करना होगा। जैसे आप कंफर्म करके मेल डालोगे आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
अब फ्रेंड मेरे तो पहले से ही लॉग इन नहीं है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जाना होगा फ्रेंड, पासपोर्ट। मैं यहाँ पे फ्रेंड हम यहाँ से भी कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हम उससे भी जा सकते थे, जैसे कि मैं गया था यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड मेरे ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट हुए हुए हैं। मैं कंफर्म कर दूंगा, यहाँ पे पासवर्ड बोलेगा डालने को मेरा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे कैप्चा डालने को बोलेगा, जैसे फ्रेंड हमको यहाँ से लॉग इन कर लूँगा मैं, जैसे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ऐप लाइफ और फ्रेश पासवर्ड एंड रीइशू, मेरे को फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ऐप लाइफ और फ्रेश पासवर्ड रीइशू, वो पासवर्ड मेरे को फ्रेंड्स यहाँ पे डालना होगा। यहाँ फ्रेंड्स आपको अल्टर नेगेटिव 1, अल्टर नेगेटिव 2 दिखाई देगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप फॉर्म को पीडीएफ में या कुछ में डाउनलोड करके प्रिंट करके फिर फ्रेंड्स उसमें फॉर्म फिल करके फिर अपलोड भी कर सकते हो, लेकिन बट मैं फ्रेंड ऑनलाइन करूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लिक हेयर ऑफ द फील ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे फ्रेंड मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ पे बताया गया है अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासवर्ड या रीइशू, पहले ही जैसे रीइशू पासवर्ड वो होते हैं फ्रेंड जो पहले से है आपका, आप रीइशू करवाना चाहते हो। मैं फ्रेंड फ्रेश पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे फ्रेंड नॉर्मल कर दूंगा, तत्काल भी हो जाता है फ्रेंड, तुरंत आपको चाहिए हो तो कुछ घंटों में हो जाता है फ्रेंड्स। टाइप ऑफ पासवर्ड बुकलेट, मेरे को फ्रेंड बुकलेट फ्रेंड मेरे को 36 पेज ही काफ़ी हैं, मेरे को नेक्स्ट करना होगा। यहाँ फ्रेंड मेरे को अपना नाम डालना होगा, यहाँ फ्रेंड मैं अपनी वो जेंडर चॉइस कर दूंगा फ्रेंड, यहाँ पे मेरा अगर और कोई नाम है तो यस, नहीं तो नो कर दूंगा फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड नो कर दूंगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है मैं डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे से अब यहाँ पे पूछा जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे पैदा हुए थे आप, इंडिया से बाहर पैदा हुए थे, इंडिया में कहाँ का आपका डेट ऑफ बर्थ है। फ्रेंड मेरा यहीं का है तो मैंने इंडिया में ही, फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आगरा आगरा लगता है, आगरा डाल दूंगा। ओके मेरिट सर जो भी है फ्रेंड, मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल ही रखूँगा फ्रेंड। अब सिटी जो हम जाए इंडियन वाई, आपको कैसे इंडियन की सिटी, आपको इंडियन की सिटीजनशिप कैसे मिली होगा फ्रेंड्स, मेरे को फ्रेंड मेरा बर्थ है या आपने रजिस्ट्रेशन कराया या फिर कैसे मिली मेरे को, तो फ्रेंड बर्थ है तो आप बर्थ रहोगे कि मैं यहाँ पैदा हुआ। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना वोटर आईडी डाल हो तो डाल सकते, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। यहाँ पे आपको फ्रेंड एम्प्लॉय टाइप करना होगा, मैं तो फ्रेंड प्राइवेट लिख सकते हैं, स्टूडेंट भी चाहिए बन सकता है आपका फ्रेंड्स। इफ़ यू तो द पेरेंट्स, आपका कोई फ्रेंड घर में से कोई गवर्नमेंट में हो तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरा कोई नहीं है, मैं नो कर दूंगा। एजुकेशन फ्रेंड मैंने कहाँ तक कर रखी है उसके बारे में, मैं फ्रेंड अभी तो ग्रेजुएशन हो गया, बट अब फ्रेंड्स यहाँ पे पूछेगा ECR या नॉन ECR। फ्रेंड्स ECR में वो आते हैं जिनको हाई स्कूल उनकी नहीं होती, 8th पास होते हैं, लेकिन अब आपने हाई स्कूल पास कर रखी है तो आप नो कर दोगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा आपको। अब आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा, आप यहाँ पे फ्रेंड्स अपना फादर नेम डाल दोगे, कुछ भी जो आपके फादर का नेम हो फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे आप उनका सर नेम डाल दोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना होगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना होगा फिर से, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स अपना एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका एड्रेस है फ्रेंड्स आप यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना विलेज जो भी लगता है फ्रेंड्स वो डाल दोगे,
यार फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है आपका? आपका पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है फ्रेंड? वो डालना होगा। आपको मोबाइल नंबर डालना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मेल आईडी डालनी होगी अपनी। आप ये पूछेगा इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अभी जो एड्रेस आपने डाला है वो परमानेंट एड्रेस है और अभी अवेलेबल है? यस यस ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। यस करके फ्रेंड्स अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ फ्रेंड्स मैं नेम और एड्रेस है फ्रेंड्स। इमरजेंसी में आपके पे कोई भी कॉल करता है, कोई भी कुछ, आप अगर नहीं उठा पाते हो तो आपको किसका एड्रेस या किसी का मोबाइल नंबर देना चाहोगे तो वहाँ पे फिल कर दोगे फ्रेंड्स, या पे उसका नंबर डाल दोगे। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे मेल डाल दोगे, नेक्स्ट कर दोगे फ्रेंड्स। जैसा कि आपको दिख रहा है करेंट डिप्लोमेट, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऑफिशियल पासवर्ड, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी फ्रेंड नो ही करना होगा। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको नो लिखना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको नो क्लिक करना होगा, यहाँ पे भी आपको नो क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सर फ्रेंड आपका कोई केस वेस हो सीखो, लेकिन मैं टाइम को बर्बाद ना करते हुए फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम लगेगा, मैं एक एक चीज़ फड़ के बताऊंगा आपको। तो आप अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या आपने कभी पहले अप्लाई किया हो पासपोर्ट और री इशू नहीं हो पाया हो कोई प्रॉब्लम की वजह से, ओके फ्रेंड। तो मेरा तो फ्रेंड मैंने ऑलरेडी ये फील के पड़े हुए थे फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन नो कर दूंगा फ्रेंड्स। आगे आएगा आधार कार्ड अपलोड करने का फ्रेंड्स। आपको डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना होगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये बन चुका है मेरा, ऐसा सेम प्रिंट होके आएगा। आपको नेक्स्ट करना होगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट आधार कर दूंगा फ्रेंड, मैं अपने प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए भी आधार कार्ड यूज करूँगा और एड्रेस प्रूफ के लिए भी फ्रेंड मैं आधार कार्ड ही अपलोड करूँगा। ओके फ्रेंड्स अब जैसा फ्रेंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस फ्रेंड्स, ये इसलिए होता है और आप SMS पे हर चीज़ हर तरीके की सर्विस चाहते हो पासपोर्ट की, तो आपको पहले अलर्ट मिलेगा। ओके फ्रेंड इसका ₹50 लगेगा फ्रेंड्स, वो अभी नहीं लगेगा, जब आप वहाँ पे जाओगे जब लगेगा। ओके फ्रेंड यहाँ पे आपको फ्रेंड फॉर्म सबमिट करना होगा फ्रेंड, आपने देख लिया जैसे कि फॉर्म सबमिट हो चुका है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट फ्रेंड, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। ओके फ्रेंड आप यहाँ पे पेमेंट करोगे फ्रेंड, आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहोगे? यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं फ्रेंड, मैं ऑनलाइन के थ्रू करना चाहूँगा। ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करूँगा फ्रेंड्स नॉन रिफंडेबल होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये पेमेंट ये याद रखना आप। यहाँ फ्रेंड मैं नेक्स्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कहाँ कहाँ के गाजियाबाद में जो भी लगते हैं कौन कौन से अवेलेबल है अवेलेबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स आगरा का एक भी नहीं है फ्रेंड्स मेरे को। फ्रेंड्स मेरे को कहीं पे कोई भी चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स गाजियाबाद का ही सेलेक्ट काटूंगा, यहाँ पे मेरे को कैप्चा डाल दूंगा फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स अब कौन सी डेट लेना चाहूँगा, डेट मिल जाएगी फ्रेंड्स। जैसे मैं लेना चाहूँगा फ्रेंड 11/11 को क्लिक करूँगा, पे एंड बुक अपॉइंटमेंट कर दूँगा फ्रेंड्स। अब मेरे को फ्रेंड पेमेंट करना होगा, इसमें यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे फ्रेंड, जो भी ऑप्शन होंगे वो फ्रेंड नेट बैंकिंग से करना चाहो फ्रेंड्स, यहाँ पे अदर नेट बैंकिंग से करना हो यहाँ से हो जाएगा। कार्ड से सारे पे ऑप्शन, UPI से भी हो जाता है फ्रेंड्स, UPI से भी करना चाहोगे UPI का भी ऑप्शन आता होगा फ्रेंड्स। जैसे सबमिट हो जाएगा फ्रेंड मैं हमको यहाँ पे जाना होगा व्यू सेव एप्लीकेशन, जैसा कि आपको देख पा रहे हो फ्रेंड्स ये आ गया नीचे ऐप्स एप्लीकेशन। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि फ्रेंड मैंने डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं किए। यहाँ पे आप फ्रेंड
जैसे इसको क्लिक करोगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आ जाएगा व्यू प्रिंट सबमिटेड अपलोड डॉक्यूमेंट। जो भी अपने आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप पेमेंट यहाँ पे आप ट्रेक एंड पेमेंट कर लोगे फ्रेंड्स यहाँ पे आप रिसिप्ट में। ओके फ्रेंड्स अब वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे कि मैं कोई भी न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा फ्रेंड्स। और इसका जो भी आगे होगा वेरिफिकेशन होगी कैसे आएगा वो उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ओके फ्रेंड्स।